हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेज। आज का वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही खास है, और ये वीडियो जो है हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के टॉप 20 फॉर्मूलाज पर बेस्ड है। तो इस वीडियो को स्टार्ट से इन तक देखना ना भूलेंगे। जैसा कि देखिए, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि फिजिकल केमिस्ट्री के प्रमुख सूत्र, तो हमारा देखिए, ये हमारा जो है फिजिकल केमिस्ट्री के प्रमुख सूत्र, ये आपका, मैं बहुत ही चुनिंदा सूत्र लेकर आया हूँ, और ये आपके आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी VVI साबित होगा। तो चलिए, पहला जैसा कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, मोललता यानी कि मोलालिटी, इसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और ये जो है विलेय का मोल बटा विलायक का 1 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी कि मोल ऑफ सॉलिड बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा ये मोलालिटी का सूत्र हो गया। चलिए, जैसा कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है कि हमारा फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 देखिए क्या है। ठीक है, कि कहता है मोलरता मोलारिटी, यानी कि m बराबर मोल ऑफ सॉलिड बटा मोल ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर में, विलेय का मोल बटा विलायक का आयतन लीटर में। तो ये आपके लिए बहुत ही खास है। हम बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 3 पर, जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, कहता है द्रव्यमान परसेंटेज यानी वेट बाय वेट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। इसमें मान ले जाए एक से अधिक अवयव हो, तो किसी अवयव का द्रव्यमान परसेंटेज जो है विलेय विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटा विलेय विलयन का कुल द्रव्यमान गुणे 100 होता है। ठीक है, तो चलिए हम अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं, और ये सूत्र जो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री से लिया गया है, और कहता है क्वथनांक में उन्हें यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी इसको डेल्टा टी बी कह सकते हैं, और यहाँ पर के बी इंटू एम होता है, एम यहाँ मोलालिटी का काम करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका 5वां नंबर सूत्र जो है ये आपका हिमांक में अवनमन, जैसा कि यहाँ पर है डेल्टा टी एफ, और ये है के एफ, और इंटू है एम। चलिए अगले सूत्र की ओर बढ़ना चाहेंगे, तो अगला सूत्र जो है आपका हेनरी का सूत्र पर आधारित है, और हेनरी का सूत्र क्या है कि किसी गैस का दाब, यहाँ के एच इंटू गैस का मोल प्रभाज के बराबर होता है, के एच यहाँ पे जो है हेनरी का नियतांक कहलाता है। तो चलिए हम अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं, और ये सूत्र जो है आपका, देखिए इस सूत्र का पूरा डेरिवेशन लेके मैं आया हूँ। तो चलिए, 8 नंबर आपका फॉर्मूला कहता है नॉर्मलता क्या है, नॉर्मलिटी कहता है एन बराबर जो है विलेय का ग्राम तुल्यांक बटा बिलियन का आयतन, यानी इसको कह सकते हैं एन बराबर डब्लू बी बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी गुने 100 बटा V, जो कि ml में है। यहाँ है एन बराबर नॉर्मलता, डब्लू बराबर विलेय का भार ग्राम में, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी आपका ये है विलेय का तुल्यांक भार में, VML का मतलब बिलियन का आयतन है मिलीलीटर में। और देखिए साथ साथ इसका यूनिट भी यदि पूछा जाए, इस एन का यूनिट क्या होगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होगा। चलिए थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग की ओर बढ़ते हैं, कहता है बॉयल का बॉन्टहॉफ का सूत्र क्या है, ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसा कि लिखा है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, जिसको हम परासरण दाब कहते हैं, उसे पाई से डिनोट किया जाता है। यहाँ सी जो है सांद्र मोल पर लीटर है, भी जो है हमारा आयतन है, ठीक है, टी जो है यहाँ पे ताप है, आर जो है हमारा गैस नियतांक है। चलिए अगली सूत्र की ओर बढ़ना चाहेंगे हम, ये 10 नंबर सूत्र जो है कहता है आणविक चालकता, इसको यहाँ देखिए लैम्डा पढ़ते हैं, लैम्डा बराबर के गुना 1000 बटा C, के है यहाँ विशिष्ट चालकता और सी है हमारा सांद्रण। चलिए हम अब 11 नंबर सूत्र की ओर बढ़ते हैं, कहता है चालकता बराबर जो होता है 1 बटा R होता है। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा आपका सूत्र नंबर 12, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया का वेग बराबर यदि a^m इंटू b^n c^r होता है, अभिक्रिया की जो कोटि होती है m प्लस n प्लस l होता है। चलिए अब आपका जो है ये फॉर्मूला नंबर 3 जो है मोल अंश,
ये कहता है अवयवों के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या होती है। अब हमारा देखिए ये फॉर्मूला नंबर 40 कहता है संघटित आवृत्ति, तो यहाँ वेग बराबर होता है जेड इंटू ई टू द पावर माइनस ए बार टी। जेड जो होता है संघटित आवृत्ति होता है, ये जो है सक्रियण ऊर्जा होता है, आर जो होता है गैस नियतांक होता है, टी जो होता है हमारा ताप होता है। अब देखिए हमारा ये है हमारा 15 नंबर, कहता है उसमें क्षेपीय अभिक्रिया के लिए हमारा डेल जी होता है नेगेटिव, और डेल ही ऊर्जा बराबर होता है सक्रियण ऊर्जा प्लस अभिक्रिया ऊर्जा। अब देखिए फॉर्मूला नंबर 16 क्या है, फैराडे का सूत्र, एम बराबर जेड क्यू, जेड जहाँ नियतांक है, क्यू आवेश है, क्यू बराबर आई इंटू टी होता है, इसलिए एम बराबर जेड आई इंटू टी होगा। चलिए यहाँ पर छूट गया है, ठीक है। मैं बताना चाहूँगा कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए टी हाफ बराबर होता है 0.693/k, और ये के बराबर होता है 2.301/t इंटू लॉग ए ज़ीरो प्रारंभिक अमाउंट बटा होता है टी समय पर अमाउंट। चलिए अब हमारा को फॉर्मूला नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। कहता है यौगिक का चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर होता है एन इंटू एन प्लस टू का रूट, और एन जो होता है युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अब ये रहा देखिए आपका ये जो है ना 20 नंबर सूत्र जो आपका काफ़ी भीवी आई है। तो कहता है हमारा ये कि क्या है हमारा सूत्र, देखिए सेल का ईएमएफ जब निकालना हो तो ई डिग्री का सेल बटा 0.059/1 बटा एन इंटू लॉग जो होता है यहाँ ऑक्सीडाइज सब्सटेंस की सांद्रता होती है और रिड्यूस्ड सब्सटेंस की सांद्रता होती है, ठीक है। और यहाँ सेल का गिब्स ऊर्जा या ऊर्जा स्वतंत्र ऊर्जा में परिवर्तन होता है माइनस एन इंटू ई डिग्री एफ, जहाँ एन बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और एफ का मान आप 1 फैराडे या 9650 कूलम रख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आज के वीडियो में हमने केमिस्ट्री के प्रमुख 20 सूत्र का चित्रण किया है और व्याख्या किया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस तरह का मैं फिजिक्स में कभी केमिस्ट्री में कभी आपका मैथ में लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो का स्टार्ट से एंड तक देखना ना भूलिएगा, और ज़रा हमें कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपके लिए कैसा रहा।